अब हम इसको फिनिश करते हैं। तीन लेयर्स बनाने होंगे। ये जो हमने अभी बनाया है ये सबसे ऊपर का लेयर है, टॉप लेयर। इसके अंदर हम एक फिलिंग करेंगे जिसको पैडिंग बोलते हैं या बैटिंग बोलते हैं। आई एम श्योर अगर आप ऑनलाइन में ऑर्डर करोगे तो उसको बैटिंग बोलेंगे। और एक लास्ट फैब्रिक, द लास्ट लेयर। आप इसी नाप से इस फैब्रिक को काट लीजिए। और बहुत तरह की बैटिंग्स मिलती हैं बाज़ार में। ये जो मेरे पास इस वक्त है इट्स कॉल्ड अ फ्यूजिबल बैटिंग। आप देख रहे होंगे इसमें दाने दाने हैं छोटे छोटे। ये एक्चुअली गम है, ग्लू है। तो जब आप इसके साथ इसको फिक्स करेंगे आपके प्रोजेक्ट के साथ, तो ये इस तरह से आयन हो जाएगा, तो ये चिपक जाएगा। ये हमने इसको आयन कर लिया है। ये जो लास्ट लेयर है मेरे इसकी प्रोजेक्ट की, मैं उसको लगा रही हूँ। ये तीन लेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड अ सैंडविच ब्लॉक इन द क्विल्टिंग वर्ल्ड। और क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ हॉट पैड्स हैं, तो हम इसको सिर्फ एक बस क्रॉस करके, देखिए मैंने सिर्फ एक सिलाई लगाई है दोनों तरफ, इसको बस सेटल कर दिया है। ये मेरी एक साइड तैयार, अब मैं दूसरी साइड पे आ गई। ये हमारा ब्लॉक रेडी हो गया है। अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं बॉर्डर बनाने के, जो इसको बाइंडिंग भी बुलाते हैं। और इसमें क्योंकि ये हमारा छोटा प्रोजेक्ट है सिर्फ एक हॉट पैड का, तो हमने 2.5 इंच थिकनेस का ये रेड फैब्रिक काट लिया है। और आप इसको जोड़ लीजिए। अब मैं इसको एक को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल, यानी एक इसको ऐसे लगाइए। और यहाँ पे ये देखिए मैं पॉइंट्स कितने नज़दीक से मिलाया है, मैं इनको को कर दूंगी, एक लाइन खींचेंगे हम इसमें, एक डायगनल बना दीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सेल्वेज नहीं काटा क्योंकि ये अभी कट जाना है। I go back in. और हमने यहाँ पे जो लाइन खींची थी उस पे सिलाई की है, क्वार्टर इंच दूरी पे नहीं की क्योंकि वो ब्लॉक था। ये हम सिर्फ बायस बाइंडिंग बना रहे हैं, तो इसको आप लाइन पे ही वो करिए और फिर आप क्वार्टर इंच पे इसको कट कर लीजिए। अब देखिए आप कितना नीट हो गया ये हमारा बाइंडिंग। और हम इसको जितने भी हम रोज़ बनाएंगे हम इसको खोल के एक बार फिर से फ्लैट कर देंगे। ओके, ये ऐसे हो गए। आपको जो मैं कह रही थी कि ये जो पाइपिंग है, तकरीबन हमारा जितना वेयर एंड टेयर होता है हमारी चीज़ों का, वो पाइपिंग से होता है। पाइपिंग घिस जाती है, कपड़ा फटा हुआ लगता है, एंड इट्स ओवर। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल करके, इस प्रकार से डबल कर लिया, और इसको हम प्रेस कर लेंगे, इसको प्रेस डाउन कर लेंगे, इसको आयन कर लेंगे थ्रू आउट। अब मेरे ब्लॉक पे हम इसको लगाएंगे कैसे, पहले तो ये जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस बैटिंग है, हम इसको ट्रिम आउट कर देंगे। देखिए एक निकल गए हमारे, और अब ये हमारा बैकिंग बिल्कुल नीट टाइडी फिनिश लग रहा है। और अब ये जो पाइपिंग हम शुरू करेंगे, हम किनारे से नहीं करेंगे इसको, हम वो टर्न अराउंड करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, मैं ये इतना कपड़ा फ्री छोड़ूंगी, इतना कपड़ा फ्री छोड़ूंगी। आप देखोगे अभी क्या करना है। ये सेम टेक्निक आपका कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, यही टेक्निक है, कोई टेक्निक में बदलाव नहीं है। इसमें ये
एक जो कोना है, ये जो हम ये कोना बनाने लगे हैं, देखिए कितना नीट है ये कोना। तो हम इसको अभी आपको दिखा रहे हैं। तो अभी मैंने पहले ये सेंटर पहले छोड़ दिया है फ्लैप, और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमने यहाँ पे आके इसको छोड़ा है, बहुत नीट लगता है और बहुत इजी है। मैंने किया क्या, मैं आखिर तक गई हूँ। मैंने इसका अब यहाँ पे इसको लेफ़्ट टर्न किया है, ये लेफ़्ट किया तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया है लेफ़्ट में। और मैंने उसके बाद मैंने यहाँ उंगली रखी है और मैंने उसको टर्न ओवर कर दिया है। वो जो मेरी पाइपिंग का कपड़ा है, मैंने उसको टर्न ओवर कर दिया है सिंपली इस तरह से। ये देखिए इसको ऐसे मिला के मैंने टर्न किया है। यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए और अब मैं अपना पाइपिंग कंटिन्यू करूँगी। हम एंड पे फिर आ गए हैं। अब मैंने ये लास्ट पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ ये हमने स्टिच नहीं किया है, और अभी आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं किया हमने। आप देखिए हम खाली इसको फिक्स करेंगे ये कोने को। तो अब आप देखिए ये मैंने ये जो फ्लैप पहले वाला है उसके अप्रॉक्सीमेट साइज से मैं इसको काट लूँगी। अब हम इसको फिनिश कैसे करेंगे, ये जो है एक साइड को हम यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए ये ऐसे मैंने मोड़ा है हाथ से, इसको इस तरह से मैंने मोड़ लिया है, और इनके बीच में इस जिसको मोड़ा है उसके बीच में मैं वो जो पहले वाली पाइपिंग है वो मैं डाल दूँगी। देखिए ये कैसे जुड़ गया है, और ये फोल्डेड है तो इसमें वो रेशे नहीं निकलेंगे, धागे नहीं निकलेंगे। अब मैं इसको फिनिश कर दूंगी, यहाँ पे एक पिन लगा देंगे इस तरह से। है ये फिनिश प्रोडक्ट तैयार हमारा प्रोजेक्ट, और इतनी जल्दी और कितना सुंदर बन गया है। देखिए कितना नीट ब्यूटीफुल नाइस। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा।